नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके स्वागत है। पैन कार्ड कैसे मंगवाए? अगर आपके पैन कार्ड बना हुआ है, बनने के बाद आपके पैन कार्ड खो गया या टूट गया, आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको पैन कार्ड मंगाने के लिए आपके पैन नंबर होना जरूरी है। अगर आपके पैन नंबर नहीं है तो आप ऑनलाइन नहीं मंगा सकते, आपको फिजिकल मंगवाने के लिए भी आपको पैन नंबर जरूरी है, नहीं तो आप अपने डुप्लीकेट पैन कार्ड नहीं मंगा सकते। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो रिप्रिंट के लिए, आपको ध्यान रखना है आपके पैन कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं तो आपके ईमेल आईडी रजिस्टर होना जरूरी है, नहीं तो ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते। पैन कार्ड रिप्रिंट मंगवाने के लिए आपको 50 रुपए भी पे करना होता है। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो और आपको पैन कार्ड मंगवाना है इंडिया के बाहर, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ेगा। इस वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरे देखते जाइए तभी जाके आपको पता चलेगा कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो रिप्रिंट के लिए। अगर आपके पैन कार्ड बना ही नहीं है तो फ्री में भी पैन कार्ड बना सकते हो। इस वाले वीडियो जैसे खत्म होगा आपको भी एक वीडियो मिल जाएगा, उस वाले वीडियो को देख के आप अपने तुरंत पैन कार्ड बना सकते हो ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के ऊपर आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। नीचे आपको क्वालिटी दिख रहा है, क्वालिटी आपको बढ़ा लेना है तो वीडियो के जो क्वालिटी है थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा। पहले क्या करना है, आपके मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है रिप्रिंट, ठीक है, यही आपको टाइप करना है। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जा सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको सर्च बार में क्लिक कर देना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है NDLS। पैन कार्ड 2 जगह से बनता है, आपको ध्यान रखना है अगर NDLS से बनता है तो इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने UTI से बनाया तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसेस आपके सेम है, दोनों में सेम है, ठीक है। मैंने इसमें NDLS में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है पैन कार्ड, आपने पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे आपके आधार नंबर डालना है। उसके बाद क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपने यहाँ पे महीना डालना है और ये ईयर जो साल वाले है वो इस पे डालना है, दिन आपको नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, GST इसमें आपको छोड़ देना है, ठीक है। GST नंबर आपके पास है तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है इस वाले बॉक्स पे, ठीक है। इस वाले बॉक्स में क्लिक करने के बाद और थोड़ा सा नीचे आना है, ये जो कैप्चर आपको दिखाई दे रहा है इस वाले बॉक्स में डालना है। अगर ये वाले कैप्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये जो कैप्चर है दूसरा आ जाएगा। अगर आपको समझ में ना आ रहा है तो आप देख सकते हो मैंने क्लिक कर रहा हूँ, चेंज हो रहा है, आपको ऐसे करके चेंज करना है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देना है। मैं पहले पूरे फिल कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरे फिल कर दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे पेमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, पेमेंट आपको किस हिसाब से करना है, कितना करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे सारे कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इंडिया के अंदर मंगवा रहे हो तो आपको 50 रुपया चार्जेस देना होगा। अगर आप इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर अगर मंगवा रहे हो इंडिया के पैन कार्ड, तो आपको क्या करना है, 959 अमाउंट के आपको पे करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो 959 रुपया आपको यहाँ पे करने पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट में क्लिक करना है, मैं सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पूरे एड्रेस के साथ आपको ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ईमेल आईडी से मंगवाना चाहते हो OTP तो इस पर क्लिक करना है, अगर मोबाइल नंबर पे मंगवाना चाहते हो तो मोबाइल पे क्लिक करना है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है, मैं मोबाइल पे मंगाना चाहते हो इसलिए मोबाइल में टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जेनरेट OTP आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वही OTP नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी पे आपको क्लिक कर देना है, वेरीफाई आपको करा लेना है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपने मेल आईडी पे क्लिक किया तो मेल आईडी पे आएगा, अगर आप मोबाइल नंबर पे क्लिक किया उसी में आएगा मोबाइल नंबर पे, लेकिन आपको रजिस्टर होना जरूरी है, रजिस्टर नहीं होगा तो OTP नहीं आएगा, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। 10 मिनट का वैलिडिटी होता है इसका, जो OTP नंबर आएगा वो 10 मिनट का वैलिडिटी होता है। मैं पहले OTP डाल देता हूँ यहाँ पे, अब आ गया OTP, ठीक है, मैंने OTP डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी पे क्लिक कर देता हूँ, वैलिडिटी पे क्लिक करने के बाद अभी पेमेंट के प्रोसेस में ले जाएगा, पेमेंट के साइड में अभी यहाँ पे पेमेंट करना है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेमेंट मोड, आप कैसे पेमेंट करने चाहते हो, अगर इसमें पेमेंट करने चाहते हो तो इसमें क्लिक कर सकते हो, मैंने इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें वीसा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपको हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है, इसे छोटा सा बॉक्स दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रोसेस फॉर पेमेंट आपको इस पर क्लिक कर देना है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ।
इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फर्म पेमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, पे कॉन्फर्म में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन आईडी इस पर आप मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसमें पेमेंट कॉन्फर्म में क्लिक कर देता हूँ। पेमेंट कॉन्फर्म में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर क्यूआर कोड में पेमेंट करने चाहते हो तो इस पे क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई एड्रेस आप डाल के इंटरनेट बैंकिंग से आप हर तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आप पेटीएम भी है तो पेटीएम से भी आप कर सकते हो। हर चीज में आपको जो आसानी लगे आप वैसे पेमेंट कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने डेबिट कार्ड नंबर डालना है। डेबिट कार्ड में एक वैलिडिटी डेट होता है वो वाले आपको नहीं डालना है, एक्सपायर डेट आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद सीवीवी नंबर, आपके एटीएम कार्ड के पीछे एक सीवीवी नंबर होता है 3 डिजिट का, आपको इस पर डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट में क्लिक कर देना है। ठीक है, पे दिख रहा है, पे में क्लिक करने में पहले इतना फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे कुछ डिटेल्स डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट कितना पेमेंट है अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50 रुपया। ठीक है, उसके बाद मैं पे में क्लिक कर देता हूँ। पे में क्लिक करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको सबमिट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास ओटीपी आ गया, ओटीपी डाल के मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे ओटीपी निकाल लेता हूँ, पहले मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ 92। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। सबमिट में क्लिक कर दिया, हमारे पेमेंट का प्रोसेस सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको वेट करना है 1 मिनट तक। मैंने अभी स्किप कर देता हूँ। जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद आपको रिफ्रेश कर देगा पेज, अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुल। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन आई डी आ जाता है, यहाँ पे आपको डेट आ जाता है, आप कितने पेमेंट किया है आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको बैंक की तरफ से एक रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद जेनरेट एंड प्रिंटेड पेमेंट रिसीप्ट, अब इस पे क्लिक करना है आपको। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके जो पेमेंट, आपने जो पेमेंट किया है, पेमेंट रिसीप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पेमेंट रिसीप्ट आपके पास ऐसे आ जाएगा। जैसे पैन कार्ड ऑफिस में आप जाते हो एक रिसीविंग आपको मिल जाता है, वैसे ही आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीप्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप डाउनलोड करने चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है डाउनलोड पीडीएफ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाले पेज आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो पेमेंट रिसीव है वो डाउनलोड हो जाता है। पेमेंट रिसीव होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सारे कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा डेट है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कितना आपने पेमेंट किया, रेफरेंस नंबर आपको। दोस्तों, पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे कोरियर हो जाएगा आपके पैन कार्ड। दोस्तों, ये था पूरे जानकारी। इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।